गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम लोग 9B के प्रॉब्लम्स देखेंगे। कल हमने आपको 9 एक्सरसाइज पढ़ाई थी जिसमें किलोग्राम और किलोलीटर और मीटर के बारे में बताया था, यानी कि मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में। और छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम समझने में आपको परेशानी होती है तो देखें, पहला हमने लिखा भी है, पहले पढ़ते हैं। ए शॉपिंग कार्ट वेट, ए शॉपिंग कार्ट वेट 75 किलोग्राम, मतलब एक शॉपिंग कार्ट का वजन है 75 किलोग्राम। एंड एनदर, अब दूसरी शॉपिंग कार्ट है उसका वजन है 103 किलोग्राम। तो हाउ मच डू दे वेट इन ऑल, तो बताइए दोनों का मिला के वजन कितना हुआ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। वेट ऑफ शॉपिंग ए का या वेट ऑफ शॉपिंग कार्ट इज इक्वल टू 75 किलोग्राम, ऐसी वेट ऑफ एनदर कार्ड का है 103 किलोग्राम। अब टोटल वेट पूछा है तो टोटल वेट ऑफ टू कार्ड्स, तो हमारा प्लस कर लो, प्लस किया तो 871, 5 में 3 जोड़ा 8, 7 में 0 जोड़ा 7 और बनता 1, तो 178 किलोग्राम आ गया। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन है, ए सिल्वर दिया वेट्स 108 ग्राम, एक चांदी का दीपक है उसका वजन है 108 ग्राम का। एंड सिल्वर क्राउन वेट और जो चांदी का ताज यानी मुकुट बनाया गया है उसका वेट है 250 ग्राम। Which items weight more and by how much? कौन से आइटम का वजन ज्यादा है और कितना ज्यादा है? तो आपको जब ज्यादा वजन की बात आ रही है तो सिल्वर क्राउन का वेट देखो 250 ग्राम है और दिया का वेट 108 ग्राम है, तो सिल्वर क्राउन का वेट ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है तो वो हम देखो लिख रहे हैं, तो वेट ऑफ सिल्वर दिया इज इक्वल टू 108 ग्राम, वेट ऑफ सिल्वर क्राउन 250 ग्राम। अब आप देखो किसका ज्यादा पूछा, तो सिल्वर क्राउन का वेट ज्यादा है तो हमें लिखना पड़ेगा वेट ऑफ सिल्वर क्राउन इज मोर, यानी सिल्वर क्राउन का वेट ज्यादा है। अब वो क्या था भाई, हाउ मच कितना ज्यादा है, तो हम बाय हाउ लगा लीजिए, तो हमें क्या करना है 250 ग्राम में से 108 ग्राम को माइनस कर देना होगा। तो अभी पूछा है कितना ज्यादा है तो दोनों का माइनस कर दें, तो जीरो में से 8 नहीं माइनस कर सकते, 10 हो गया, 10 में से 8 माइनस किया 2 बचा, अब यहां पे हमारा 4 रह गया था तो 4 का 4 और 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 142 ग्राम वेट ज्यादा निकला। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जेनी परचेस्ड 236 ग्राम ऑरेंज, जेनी ने परचेस्ड मींस खरीदना, खरीदा 236 ग्राम ऑरेंज संतरे को, एंड बेनी परचेस्ड 386 ग्राम और बेनी ने परचेस्ड किया 386 ग्राम को, तो
तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑरेंज परचेस्ड, तो बताओ कितना टोटल वेट है, पूरा वजन खरीदा गया बेनी और जेनी के द्वारा। तो हम क्या लिख देंगे, जेनी परचेस्ड ऑरेंज जू कर टू 236 ग्राम। अब बेनी ने खरीदा 386 ग्राम। अब टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ ऑरेंज परचेस्ड, तो हम क्या करें, दोनों को वेट को प्लस कर देते हैं, 236 ग्राम और 386 ग्राम प्लस किया, तो 6 में 6 जोड़ा 12 हो गया, कैरी ऑन 1 हो गया, 3 में 8 जोड़ा 11 और जो कैरी आई थी वो 12 में 2 में आ गई, तो मींस 12 हो गया, फिर कैरी 1 2 3 5 1 6। अगर नहीं आता जैसे 6 में 6 जोड़ा 12 कैरी 1 तो 1 यहां ऊपर लगा लो। अब जोड़ लो 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 8 जोड़ा 12 फिर कैरी 1 फिर 1 ऊपर लगा लो, 1 में 2 3, 3 में 3 जोड़ा 6, तो इस तरह से 622 ग्राम आ गया। ऐसे ही अब आपके चौथा क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए नोटबुक ए ब्रांड ए वाज 885 ग्राम, यानी एक बुक का वजन है 885 ग्राम, एंड अनदर बुक बी जो है उसका वजन है 999 ग्राम। नोटबुक ऑफ विच बेन ए हैवियर एंड बाय हाउ मच, तो कौन सी नोटबुक जो हमारी थी वो भारी रही और कितनी रही, तो बिल्कुल सेम सवाल दूसरा ही है। तो अब क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए नोटबुक ब्रांड ए इज इक्वल टू 885 ग्राम, वेट ऑफ एनदर बुक ब्रांड बी 999 ग्राम। अब किसका ज्यादा लिखा, तो हम बी वाले का ज्यादा लिखा, तो हम लिखेंगे ब्रांड बी नोटबुक इज हैवियर बाई हाउ मच, कितनी, तो हम 999 में से 885 को माइनस कर दें, तो आंसर आए फाइनल हो गया। ऐसे पांचवा क्वेश्चन है, एट एन एयरपोर्ट द लगेज अलाउड 4 पर्सन इज 85 किलोग्राम, यानी कि 4 व्यक्तियों का वजन दिया गया है 85 किलोग्राम, इन ए फैमिली ऑफ 4 पर्सन कैरीज 93 किलोग्राम लगेज। अब वो 4 व्यक्ति 93 किलोग्राम वजन लेकर जाते हैं, तो हाउ मच इज देयर लगेज ओवरवेट, तो बताओ जो लगेज नियुक्त किया गया था उससे कितना ज्यादा वजन लेकर जा रहे हैं, तो हम 93 में से 85 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से याद कर लेना सवाल, फिर देखेंगे।